अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा पर रतलाम कांग्रेस नेता पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बयान देते हुए साध्वी पर जमकर कटाक्ष किया। कल रात कांतिलाल भूरिया के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को डायन कहते हुए चुनौती दे डाली कि कहा है कि उन्होंने शहीद हेमंत करकरे को श्राप दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सकलेचा ने कहा है कि यदि कोई देवी श्राप देती है तो दुष्टों का नाश होता है, विनाश होता है, और यदि कोई कहे कि उसके श्राप से किसी सज्जन व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे डायन कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा यदि दाऊद इब्राहिम को श्राप दे दे और उसकी मृत्यु हो जाए तो मैं साध्वी प्रज्ञा को देवी स्वरूप मान लूंगा और पूरे देश में उनकी मूर्तियां लगवाकर पूजा करवाऊंगा। आपको बताते चले कि पारस अकलेचा हमेशा अपने विवादित बोल से सुर्खियों में रहते हैं और इनके बोल के चलते इनके विधायक के कार्यकाल में हेमंत कोठारी पर लगाए गए आरोप झूठे साबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी विधायकी शून्य घोषित कर दी थी। तपस्वी है, हिंदू धर्म की रक्षक है, तो एक बार साफ दे दे कि दाऊद इब्राहिम मर जाए।